नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय दी मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम व्रत में खाने वाली दो रेसिपी बताएंगे जो बहुत ही झटपट बनती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। पहली बनाएंगे हम साबूदाना की खिचड़ी, दूसरी हम बनाएंगे नारियल की बर्फी, वो भी व्रत वाली बिना को मिल्क पाउडर के। पहले हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। इसे बनाने के लिए एक बाउल साबूदाना भीगा हुआ, 3 से 4 टेबलस्पून पीनट, 2 बॉयल पोटैटो, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 2 रेड चिली, 1/2-4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/3 टेबलस्पून यहाँ पे सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल करीब 3 से 4 चम्मच। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल नहीं, हम व्रत में पीनट ऑयल लेंगे और यहाँ पे करीब मैंने 3 से 4 चम्मच जितना भी लेना है वो मैंने ले लिया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जो बॉयल पोटैटो हैं उनको मैंने क्या कहते हैं छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए, जैसे समोसे के कट करते ना उसी तरीके से कट करना है। और मूंगफली को अच्छे से हमें मीडियम आंच पर भून लेना है और जो साबूदाना है उसको हमने भिगो के रख दिया था करीब 2 से 3 घंटे के लिए, और जो उसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल देंगे तो इससे क्या होता है साबूदाना बिल्कुल अलग अलग रहता है। अब यहाँ पे मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तेल जो था हमारा उसी में हम जीरा डालेंगे, करीब 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। और यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च ले रहे हैं, अगर आप हरी डालना चाहते हैं हरी डाल सकते हैं, पर सूखी हुई लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और साथ में हम यहाँ पे उबले हुए जो आलू है ना 2 मैंने लिए हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और उसी को हम मीडियम आंच पे भूनेंगे। थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे करीब 1/2-4 टेबलस्पून यहाँ पे हम काजू डाल दें जिसके छोटे छोटे पीसेस थे, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और ये इसे अच्छे से हमें इसे भूंज लेना है, ये अच्छे से भून चुका है। फिर इसमें हम यहाँ पे साबूदाना डालेंगे जो हमने भिगो के बताया था कि रख दिया था करीब 2 से 3 घंटे के लिए और इसका पानी निकाल दिया है, तो ये बिल्कुल एक एक दाना अलग है। और इसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साबूदाना तभी अच्छे से पकता है जब इसे आप मीडियम आंच पे पकाएं और हल्का सा ट्रांसपेरेंसी टाइप का हो जाता है। अब यहाँ पे करीब 1/2-4 टेबलस्पून हम नमक डाल लें, क्योंकि यहाँ पे जब हम खिचड़ी बना रहे हैं ना वो एक लोगों के लिए बना रहे हैं। और साथ में 1/2-4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग सा फ्लेवर देने के लिए लेमन डाल रही हूँ। और जो मूंगफली थी वो मैंने अच्छे से उसके टुकड़े मतलब तोड़ लिया है, मीन्स कूट लिया है, पाउडर टाइप का तो नहीं, इसे थोड़ा सा दरदरा टाइप का मैंने पीस लिया है और उसे इसमें हमने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो ये साबूदाना की खिचड़ी वो हो चुकी है तैयार। अब हम आपको कोकोनट की बर्फी बताने जा रहे हैं जो बिना मिल्क पाउडर के हम बनाएंगे और बहुत ही यमी होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कोकोनट, 2 टेबलस्पून मिल्क, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 कप शुगर और देसी घी करीब 2 से 3 चम्मच। और साथ में हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कोकोनट का ऊपर का ब्राउन वाला जो पार्ट है वो छील लिया था और इस तरीके के क्यूब मैंने कट कर लिए थे और अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पे इसे हम बिल्कुल महीन नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा टाइप का रखना है। अगर ये ऐसे ना पीस रहा हो तो थोड़ा सा आप दूध डाल लीजिए तो आसानी से पीस जाएगा। अब यहाँ पे हमने अच्छे से पीस लिया है, अब यहाँ पे हम घी ले रहे हैं करीब 2 टेबलस्पून। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कोकोनट डालेंगे। और इसे अच्छे से डालकर हमें इसे देसी घी में भूंज लेना है करीब 2 मिनट के लिए, ताकि जो कर्री है ना नारियल वो अच्छे से भून जाना चाहिए, देसी घी में इसका फ्लेवर आ जाना चाहिए। कोकोनट में तो ऑलरेडी क्या कहते हैं ऑयल होता है, पर जब देसी घी के साथ इसका फ्लेवर बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये बहुत ही इजी है, अगर आप इस तरीके से बनाते हो ये करीब 5 मिनट में इजली बन जाती है। अब यहाँ पर अच्छे से भूंज लिया है तो करीब मैंने 1 कप मिल्क डाल दिया है, क्योंकि हमने पीसने पे भी मिल्क डाला था तो जब मैंने भूना ना तो उसमें वो मिल्क क्या था एब्जॉर्ब हो गया है कोकोनट में अच्छे से।
और इसी तरीके से इसे हमें भूनते रहना है दूध में, ताकि जो दूध है वो अच्छे से बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे हम शुगर डाल लें हैं, ये करीब हमारी 1 कप शुगर है, ऐसे आप 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। और यहाँ पे इसे शुगर डालने के बाद अच्छे से आप चलाते रहिएगा बराबर, ताकि नीचे अच्छे से लगे ना। और इसे इस तरीके से चलाते चलाते इतना चलाना है कि अच्छे से गाढ़ा हो जाए, और बर्फी के लिए जैसे जमाते ना उस टाइप का बन जाना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से जो चीनी है वो अच्छे से इसे मेल्ट होकर सूख गई है गर्री के साथ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर करीब 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ना, तो इसमें ना कि हम कलर पाउडर डाल सकते हैं, फूड कलर डाल सकते हैं, ना पे यहाँ मिल्क पाउडर डाल लें। फिर इसे अच्छे से हम क्या कहते हैं निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और जिसमें हम जमाएंगे उसमें हम देसी घी लगाकर इस तरीके से जमा देंगे बराबर में, और ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे काजू और बादाम को मैंने घिस लिया था तो मैं थोड़ा सा ऊपर से डालकर और इसे दबा दूंगी हल्के हाथों से। ये आप किसी स्पैचुला की हेल्प भी ले सकते हैं इस तरीके से, और इसे करीब आप 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरीके से आप कर दीजिए, और इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। और कोकोनट की बर्फी जो है वो रेडी हो चुकी है, मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस कट कर लिए हैं, आप इसे रेगुलर में खा सकती हैं और माता रानी को भोग भी लगा सकती हैं। बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी, है ना दो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जय माता दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।